बहुत पुराना मतलब बूढ़ा बंदा हो गया तो माशाल्लाह ठीक है, जब बंदा 45 साल का हो जाए बूढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये काफी देर से फंक्शन अटेंड करता आ रहा हूँ, मुझे इन बच्चों की एक एक इनके हाथ का इनकी आंख का इनके पाँव का ये क्या कर रहे हैं इनके क्या इनके बच्चे इन्होंने क्या सीखा है टीचर से मैं देख रहा हूँ, मगर मैं ये प्रिंसिपल साहब से और टीचर से यही कहना चाहूंगा कि वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छी कोशिश है और मजीद कोशिश करें इन बच्चों को इलम इलम की तरफ लेके जाएं, इनकी इनकी एक्टिविटीज ऐसी रखें कि ये जिस तरह आप इनको पॉलिश कर रहे हैं ये सारा सूरज बन के चमके, ये चांद बन के चमके। मैं ना तो मैं ये हसीियत से बात कर रहा हूं कि मैं लमा बलमा के मैं तो गैर नहीं हूं, मैं भी आपका अपना ही हूं, दूर से नहीं आया, आपके पास ही रहता हूँ, आपके खादम है, मैं राणा बाग बाग का बेटा हूँ ठीक है। तो बस मैं ये जानता हूँ कि ये चीजें जो है ना छोटे छोटे बच्चों को पॉलिश करने के लिए टीचर्स की मेहनत बहुत जरूरी होती है। आपके इलाके में ऐसे स्कूल का होना ये आपकी बेहतरी आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत है। आप उस वक्त तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता जब तक पेरेंट्स ठीक ना हो, वालदैन ठीक होंगे तो बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने स्कूल में 4, 5 या 6 घंटे गुजारने होते हैं, बाकी टाइम वो घर पे गुजारते हैं। तो इधर बैठ के हम अपने बच्चों को ये सोच रखती हैं कि मेरे बच्चों की इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए, उसकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, वो कैसे स्पीच अच्छी होगी, वो कैसे उसकी लैंग्वेज कैसे ठीक होगी। उस वक्त ठीक होगी जब हम स्कूल में जो ये सीख के जा रहे हैं पढ़ के जा रहे हैं वही चीज इनको घर में बैठ के रिपीट करवाएं। अगर घर में जाते ही इन्होंने कह देना कि आप चले खेल रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, इनको ग्राउंड में भेज दें खेलने के लिए, तो बच्चों ने जो स्कूल में पढ़ा है वो ही याद होगा, इसके अलावा वो कुछ याद नहीं करेंगे। कोशिश करें जब स्कूल से कोशिश करें कि बच्चे जब भी स्कूल से फ्री होके घर आए उनको टाइम दें, माँ नहीं पढ़ी हुई बाप नहीं पढ़ा हुआ कोई भाई या कोई ऐसा रिश्तेदार कोई अगर वो भी नहीं पढ़े हुए या आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक्सपेंसिव, आप उनको टीचर्स को ये कहें कि हमारे बच्चों को 2 घंटे स्कूल टाइम के अलावा 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया करें, वो ट्यूशन फी में हो या जो कुछ भी इसमें कर सकते हैं आप ठीक है, या स्कूल की फी में हो या जैसे भी मैनेज करें, इनसे कोऑपरेट करें या आपसे कोऑपरेट करें, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी की बात ना सुने, बच्चों को स्कूल भेजें रेगुलर भेजें, इनकी पढ़ाई का ख्याल रखें, इनके सफाई का ख्याल रखें, जब बच्चे साफ सुथरे माहौल में आएंगे पढ़ेंगे तो ये मेरा यकीन है ये तरक्की करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे खानदान ऊपर हो, ये लोग भी ऊपर हों, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। इन बच्चों में से ही कल को किसी ने ऑफिसर किसी सीट पे होना है, किसी अच्छी ओहदे पे होना है, तो हमारे जैसा बंदा निकम्मा बंदा भी जाके कहेगा चलो साहब मेहरबानी करना ये हमारा काम कर देना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इलम बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मुझे शौक है, मैं इलम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आज भी मेरा मसलन देखिए उकाड़ा तक या जहाँ तक भी मेरे प्रोग्राम मैं करता हूँ जाता हूँ आता हूँ, ये तो वैसे ही मेरी बहन का मेरी बेटी है मेरी बच्चों की तरह है, इन्होंने मुझे स्पेशली रात जो है रात कॉल की 9:30 बजे, तो रात 9:30 बजे इनसे डन हुआ। तो लास्ट में यही है कि सूरज को चराग तो मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, लंबी लंबी बातें छोड़ूंगा तो पॉलिटिकल सियासतदान मैं नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, आप में से हूँ, आपकी तरह हूँ, मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर चोर नहीं करप्ट नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, करप्ट नहीं हूँ, करप्शन ही करता, मैं नाजम भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से, मेरा रिकॉर्ड रहा है,
मैंने कभी किसी के साथ ज्यादा नहीं की विदाउट रीजन। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया उससे शायद तो बात ऐसी होगी हो, अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मेरी मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। तो मैं लास्ट में फिर वो छोटी सी बात करता हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए ये मैं रीम को बुलाऊंगा। ये आपके लिए और आपके ये स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं एक विजन जो है जिसके तहत मैं काम करता हूँ चलता हूँ, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर का एक शेर है जो मेरी आदत समझने मेरा शौक समझने में लास्ट में पढ़ना फख्र करता हूँ, फख्र महसूस करता हूँ। दुनिया उत्ते रख फकीरा, दुनिया उत्ते रख फकीरा, ऐ जा बहन खलोन, कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। अस्सलाम।